हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइंड टू प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पे। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों की आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम की क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और हम लोगों ने लेक्चर 18 में नंबर सिस्टम ख़त्म किया था। लेक्चर 19 में हम लोग एक नई मतलब नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, और उस टॉपिक का नाम है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि पता है, जो हमारे सिलेबस में जो हमें ओएस पे काम करना है, ओएस अच्छे से पढ़ना है, उसका नाम क्या है, विंडोज़। यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, उस पर कैसे काम करना है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, जो जो कि हमारे एग्ज़ाम में उसी से ही अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसा कि पता है, विंडोज़ ओएस की सबसे ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोग जानते होंगे, अधिकतर पर्सनल कंप्यूटर में आपको क्या देखने को मिलता है, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे XP हो, चाहे 10 हो, ठीक है, अलग अलग वर्जन है। लोग अलग अलग मशीनों में अलग अलग तरह के विंडोज़ के OS यूज़ करते हैं। तो पहली लाइन में जो लिखा है, इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलर GUI बेस्ड OS। यानी ये बहुत ही क्या है, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो भी किस टाइप का है, GUI। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी जो हमारा विंडोज़ OS है वो GUI टाइप का OS है, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ये बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्यों है, क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली होता है। यानी इसको लोग आसानी सीख सकते हैं, पूरा ग्राफिक बेस्ड होता है। लोग कलर, आइकॉन, बटन के माध्यम से उस यानी विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर सकते हैं। दूसरी लाइन में लिखा, इट स्टार्ट फ्रॉम 1985 टू टुडे। यानी जो विंडोज़ की OS शुरुआत हुई वो 1985 से हुई, और आज तक हम लोग विंडोज़ के OS को यूज़ कर रहे हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम 1985 टू टुडे। तीसरा, इट कवर 85% अबव पर्सनल कंप्यूटर। और पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो 85% से भी ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर में विंडोज़ के OS पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ईजी होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है और आसानी सीख सकते हैं। ठीक, इंडिया की बात की जाए तो 90% से भी एबव कंप्यूटर्स में विंडोज़ के OS इंस्टॉल होते हैं। ठीक, इट इज़ वेरी यूजर फ्रेंडली। क्यों है यूज होते हैं, लिखा ही है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है, लोग आसानी इसको सीख सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम DOS इन 1981। और जो विंडोज़ की जो जर्नी स्टार्ट हुई वो माइक्रोसॉफ्ट DOS हुई, MS-DOS। DOS का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट ने जो हमारा विंडोज़ ने जो स्टार्ट किया, पहला OS बनाया, उस OS का क्या नाम था, DOS था। DOS मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कब हुआ, 1981 में हुआ। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जो DOS था वो GUI नहीं था, वो CUI था। CUI का मतलब क्या होता है, कमांड यूजर इंटरफेस। COMMAND, कमांड यूजर इंटरफेस। तो जो हमारा DOS था, DOS का पहले फुल फॉर्म याद कर लेना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और किस टाइप का था, CUI टाइप का, मतलब कमांड यूजर। यानी इस पे जो काम किए जाते थे वो कमांड के थ्रू, यानी कोई भी चीज़, कंप्यूटर को कोई भी आपको इंस्ट्रक्शन देना है तो आपको कमांड के थ्रू देना है। तो DOS जो था वो CUI टाइप का OS था। लेकिन उसके बाद जितने वर्जन आए विंडोज़ के, वो सारे क्या थे, GUI टाइप के OS थे। ठीक, तो जो इन्होंने स्टार्टिंग की CUI से की, उस CUI OS का नाम क्या था, DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद जर्नी बढ़ती है, उसका विंडोज़ 1.0 आया, जो कि कैसा ओएस है, एक GUI टाइप का ओएस है। फिर 3.0 आया, 3.0 भी उसको और एक्सटेंड करते गए। कभी कभी ये पूछ लेता है कि माय कंप्यूटर कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो माय कंप्यूटर का जो आइकॉन है वो विंडोज़ 3.0 में इंट्रोड्यूस हुआ। फिर विंडोज़ 95 आया, फिर विंडोज़ का 98 आया, फिर विंडोज़ का मी आया, मी मतलब मिलेनियम एडिशन। फिर विंडोज़ का 2000 आया। 2000 क्या है, विंडोज़ का एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे अगर आपको सर्वर और क्लाइंट का सेटअप करना है तो विंडोज़ 2000 का यूज कर सकते हैं, क्योंकि विंडोज़ का 2000 एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ का NT भी क्या है, NT का फुल फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी। विंडोज़ का एक NT नाम का OS आता है, जिसका फुल फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी है, वो भी एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसका विंडोज़ XP आया, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ, बहुत समय तक इसका यूज़ किया गया, और जो कि कब आया, 2001 में आया। फिर XP गया, फिर विस्टा आया, फिर विंडोज़ 7 आया। 7 ही बहुत देर तक रहा, अधिकतर कंप्यूटर में रहा, अभी भी लोग इसको यूज़ करते हैं। वो कब आया, 2009 में आया। फिर विंडोज़ 8 इंट्रोड्यूस हुआ,
विंडोज 8 इंट्रोड्यूस होने का सबसे बड़ा मकसद था कि टच स्क्रीन का जमाना आ गया था, सारी चीज़ें टच पे चाहिए थी। तो विंडोज 8 में क्या किया गया, सारे आइकॉन को बड़ा बड़ा किया गया, नहीं टच बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। और कब आया, 2012 में आया। फिर विंडोज़ का 10 आया, 10 कब आया, 2015 में आया। जो भी लेटेस्ट, अगर आपसे पूछा जाए लेटेस्ट विंडोज़ का कौन सा है, तो आंसर क्या लगाओगे, विंडोज़ 10। और कब आया, 2015 में आया। ठीक, तो आप देख ही रहे होंगे इतने सारे वर्जन आए। तो वर्जन क्यों आते हैं, क्योंकि जब किसी ओएस की पॉपुलरिटी बढ़ती है तो उसमें क्या और चीज़ एक्सटेंड की जाती है, ताकि लोगों क्या और रुझान उसी में बना रहे। लेकिन विंडोज़ में अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि विंडोज़ 10 के बाद कोई वो नया वर्जन लॉन्च नहीं करेंगे, 10 में ही वो सुविधा बढ़ाते जाएंगे। तो ये सारे हमारे विंडोज़ के कुछ वर्जन्स हो गए। क्यों ज़रूरी है विंडोज़ का, क्या रोल है हमारे सिस्टम में, तो पता है ये बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, 1985 से स्टार्ट हुआ, अभी तक यूज़ किया गया। GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज़र फ्रेंडली, आसानी सीख सकते हैं। ठीक, और भारत में 90% से अबव कंप्यूटर पे विंडोज़ के OS पाए जाते हैं। अब हमें स्टार्ट क्या करना है, इसके प्रॉपर्टीज़ को, जब हम इस पर अगर काम करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ आनी चाहिए। सबसे पहले आप सिस्टम लेते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, विंडोज़ की CD होनी चाहिए। उस CD के थ्रू आप क्या करेंगे, विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले बता दें, विंडोज़ एक क्या है, लाइसेंस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन हमारे भारत में क्या करते हैं लोग, फ्री में इंस्टॉल करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक, लेकिन कंपनी को पता रहता है कि फ्री में इंस्टॉल कर रहे हैं, वो फ्री में इंस्टॉल करने देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इंडिया में लोग सीखते हैं फिर क्या करते हैं, बाहर आके काम करते हैं। तो इंडिया, पाकिस्तान, ऐसे कुछ देश हैं जहाँ पे विंडोज़ क्या होता है, अपने प्रोडक्ट को फ्री में यूज़ कर देता है, उसे सब पता है लेकिन करने देता है, क्योंकि उसे पता है कि भारत में क्या होता है, वहाँ के लोग सीखते हैं। जो आप देखते होंगे, अधिकतर IT प्रोफेशनल्स जो बाहर काम कर रहे हैं वो सब इंडिया के हैं, तो वो उन्हें वो करने देते हैं, जबकि वो क्या है, अवैध है, यानी गैर कानूनी है अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को पायरेटेड की तरह यूज़ करते हैं। ठीक, ये तो बात उसकी अलग हुई। तो हमें अब क्या हमें आगे क्या पढ़ना है, विंडोज़ पे काम करने के लिए जो जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में जानना है। ठीक, तो विंडोज़ जब हमने अपने सिस्टम में डाल दिया, अच्छा हाँ, इस समय इसके दो बिट आते हैं, 32 बिट 64। कभी आपने सोचा होगा OS का 2 बिट आता है, 32 बिट का OS, एक OS होता है 64 बिट का। ठीक, तो ये 32 बिट 64 बिट OS है क्या, असल में ये हमारे हार्डवेयर के ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सा कितने बिट का OS इंस्टॉल करें। एक 32 बिट 64 बिट, जो पुरानी मशीन है उसमें 32 बिट का OS चलता है, जो लेटेस्ट मशीन है उसमें 64 बिट का। 32 बिट मतलब प्रोसेसर एक समय में कितने बिट की इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है। तो 32 बिट वाला मदरबोर्ड या प्रोसेसर जो होगा वो एक समय में 32 बिट की प्रोसेसिंग या इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग कर सकता है, जबकि जो लेटेस्ट हमारे कंप्यूटर हैं वो 64 बिट की प्रोसेसिंग करते हैं। यानी अधिक से अधिक डेटा अगर हम कंप्यूटर को भेजते हैं तो सिस्टम हमारा हैंग कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक समय पर जो हमारा प्रोसेसर है वो 64 बिट की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। ठीक, तो अभी जितनी मशीन हमारे सामने आती है, हम खरीदते हैं, सब 64 बिट की मशीन होती है और उसमें 64 बिट का OS इंस्टॉल किया जाता है। चलो, ठीक, तो हमने मान लो विंडोज़ अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है, आपने भी किया और कर रखा होगा। हमें उसमें सीखना है, उसमें जो मॉड्यूल हमें सीखना है, सबसे पहले विंडोज़ जब हम पावर ऑन करते हैं तो पावर ऑन कहाँ से करते हैं, हम लोग पहले UPS ऑन करते हैं। UPS का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। उसके पावर बटन पर CPU पर क्लिक करते हैं, फिर सिस्टम स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने पर कुछ समय लेता है, उस समय को क्या बोलते हैं, बूट बोलते हैं। मैंने बूट बताया था, बूट समय क्या होता है, जब सिस्टम बूट करता है तो जो हमारा OS जो हार्ड डिस्क में होता है वो उठ के कहाँ पे आता है, रैम पे आके लोड हो जाता है। उस हार्ड डिस्क से रैम पे लोड होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बूट बोलते हैं। आफ्टर देन बूट होता है, बूट होने के बाद सिस्टम हमारा वेलकम करके ओपन हो जाता है। अब जैसे ही ओपन होता है तो हमें कुछ चीज़ें सामने दिखती है, तो सामने हमें सबसे पहले क्या दिखता है, डेस्कटॉप। जैसे सिस्टम ऑन होता है यहाँ पे फुल पत्ती बनी होती, वॉलपेपर होता है और यहाँ पे आइकॉन बने होते हैं, तो इस पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप इज एन एरिया, डेस्कटॉप इज एन ए वेलकम एरिया
वेयर वी कैन फाइंड आइकॉन शॉर्टकट्स एटसेट्रा, आइकॉन शॉर्टकट्स टास्क बार नोटिफिकेशन एरिया एटसेट्रा। तो डेस्कटॉप एक ऐसा एरिया जो कि वेलकम एरिया, फर्स्ट जब सिस्टम ऑन होता है सबसे पहले सामने में जो दिखाई देता है वो क्या होता है, डेस्कटॉप होता है। उसमें होता क्या है, उसमें क्या होता है, शॉर्टकट आइकॉन फोल्डर फाइल एटसेट्रा। तो डेस्कटॉप हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है, शॉर्टकट्स हो गया, आइकॉन्स हो गया, फोल्डर हो गया, फाइल हो गया, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और मैंने क्या बताया, नीचे नीचे क्या होता है, टास्क बार होता है। जो नीचे सबसे एरिया होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टास्क बार होता है। यहाँ देखते हो घड़ी बनी होती होगी, घड़ी बनी होती होगी, या फिर वॉल्यूम का बटन बना होता हो, इसको क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन एरिया, नोटिफिकेशन एरिया। ठीक, तो जो घड़ी जहाँ पे बनी होती है जहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन करते हैं उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। यहाँ पे टास्क बार होता है, यहाँ पे गोला सा बटन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्ट मेनू, स्टार्ट मेनू, टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया और डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकॉन फोल्डर फाइल ये सारी चीज़ें होती हैं। सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्ट मेनू होता है, नीचे जो नीली रंग की पट्टी होती है उसको टास्क बार बोलते हैं। जहाँ पे समय दिखाई देता है, जहाँ से गाना को धीमे और तेज किया जाता है उस एरिया को क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। ठीक, अब बात आती है आइकॉन क्या होता है। आइकॉन इज द स्मॉलेस्ट ग्राफिकल इमेज, जो कि छोटा सा ग्राफिक का इमेज होता है, जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो किसी प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए हम लोग आइकॉन का यूज या शॉर्टकट का यूज करते हैं। आइकॉन एंड शॉर्टकट इज अ स्मॉल ग्राफिक इमेज विच अलाउ टू लॉन्च एंड इज अलाउ टू लॉन्च दैट प्रोग्राम। ठीक, जिस चीज़ का आइकॉन होगा उस पर डबल क्लिक करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रोग्राम या शॉर्ट फाइल लॉन्च हो जाएगी। तो अगर आपसे आइकॉन पूछा जाए तो आइकॉन इज स्मॉलेस्ट ग्राफिकल इमेज विच अलाउ टू लॉन्च द प्रोग्राम, जो क्या करता है, प्रोग्राम को लॉन्च करने में हेल्प करता है। फोल्डर क्या होता है, चलो फोल्डर के बारे में, फोल्डर क्या होता है, फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल। फोल्डर का यूज हम लोग फाइलों को कलेक्ट करने के लिए करते हैं। फोल्डर क्या होता है, एक तरह से हमारा थैला होता है, जिसको हम लोग डेस्कटॉप पे बना सकते हैं, फोल्डर को डिस्क ड्राइव में बना सकते हैं, सी डी ई, आप देखते हो माइक्रोमीटर जैसे क्लिक करते हो सी आता है, डी आता है, ई आता है, वो क्या है, हमारे ड्राइव होते हैं। तो ड्राइव बना सकते हैं, सी डी बना सकते हैं, पेन ड्राइव बना सकते हैं, यानी फोल्डर आप कहीं बना सकते हैं। इसका यूज क्यों करते हैं, फाइलों को रखने के लिए। तो फोल्डर इज यूज फॉर कलेक्ट द फाइल, या कलेक्शन ऑफ फाइल इज कॉल्ड फोल्डर। तो फोल्डर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फाइल होता है। ठीक, अब एक बात आती है सब फोल्डर, सब फोल्डर क्या बोलते हैं, फोल्डर इन अ फोल्डर। ठीक, ये हमारा फोल्डर ए नाम से है, इसके अंदर बी नाम का फोल्डर एक और बना दिया, तो बी क्या है, ए का सब फोल्डर है। ठीक, तो ए हमारा फोल्डर है, ए के अंदर जो हमने फोल्डर बनाया बी नाम से, तो बी क्या है, सब फोल्डर। तो फोल्डर इन अ फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर। एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर अगर बनाते हैं तो पहले फोल्डर का दूसरा फोल्डर क्या होगा, सब फोल्डर होगा। तो फोल्डर इन अ फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर। ठीक, बाय डिफॉल्ट येलो कलर का होता है, पीले कलर का तो इसका आइकॉन होता है वो बाय डिफॉल्ट येलो कलर का होता है, और इसको यूजर चाहे तो उसके आइकॉन, इसको आइकॉन की इमेज को चेंज कर सकता है, उसकी जगह सीडी बना दे, उसकी जगह ग्लोब बना दे उस पीले वाले फोल्डर की जगह। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, बस मान लो हमने फोल्डर बनाया और प्रॉपर्टीज में गए। ठीक, ये जो सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये हमें करके भी आपको दिखाऊंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। इसके बाद जो क्लास चलेगी, मतलब थ्योरी वाली क्लास जब हो जाएगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही बताया जाएगा कैसे फोल्डर बनता है। अभी जान लो, फोल्डर का अगर आइकॉन चेंज करना तो किसी भी फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद नीचे लिखा होगा चेंज आइकॉन, वहाँ से आप आइकॉन को चेंज कर सकते हैं।
अब फोल्डर बनाते कैसे हैं, सिंपल। फोल्डर बनाने के लिए मान लो हमको यहाँ फोल्डर बनाना है, तो क्या करेंगे, माउस राइट क्लिक बटन, उसके बाद न्यू पे, उसके बाद फोल्डर पे, ठीक। जैसे ही माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, राइट बटन क्लिक करने के बाद कहाँ जाएंगे, न्यू वाले ऑप्शन पे। जैसे ही न्यू वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम के नाम आएंगे, उसमें हमें क्या चूज़ करना है, फोल्डर चूज़ करना है। जैसे ही फोल्डर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फोल्डर इसका बन के आएगा और नीचे लिखा रहेगा न्यू फोल्डर, ठीक। तो ये बनाने प्रक्रिया हो गई। अब मान लो न्यू फोल्डर जगह मुझे बाइनरी टेक लिखना है, तो क्या करेंगे, इस फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद कहाँ क्लिक करेंगे, रीनेम। तो आप फोल्डर का नाम भी चेंज कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे और रीनेम पे क्लिक करें, फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे चेंज कर देंगे, फिर जो भी आपको लिखना हो यहाँ लिख देंगे, ठीक। और फोल्डर बिना नाम के आप नहीं छोड़ सकते, कि सोचो कि उस फोल्डर का नाम ना रखें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो फोल्डर में आपको, आप क्या कर सकते हैं, फोल्डर में बिना नाम के फोल्डर आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक। तो ये हो गया फोल्डर रीनेम करना, फोल्डर बनाना, और आप फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह ले भी जा सकते हैं। बस उस फोल्डर पर राइट क्लिक करिए, कॉपी या कट करिए, और फिर जहाँ ले जाना वहाँ खोलिए और पेस्ट कर दीजिए। तो किसी फोल्डर को कॉपी पेस्ट करना, ये हमारा फोल्डर हुआ, इस फोल्डर पे क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया, फोल्डर पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी या कट, जो भी आप करना हो, उसका डुप्लीकेट चाहिए तो आपको कॉपी करना होगा, उसको उठा के दूसरी जगह ले जाना है तो कट करना होगा, ठीक। तो ये चीज़ आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल एक्स का मतलब कट होता है, कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब कट, कंट्रोल प्लस सी का मतलब कॉपी होता है, और कंट्रोल प्लस वी का मतलब पेस्ट होता है। तो यही चीज़ आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं शॉर्टकट का, जो फोल्डर आपको ले जाना है उस फोल्डर को क्लिक करिए, कंट्रोल एक्स करेंगे तो कट हो जाएगा, कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। एक डुप्लीकेट के लिए कॉपी करिए, कॉपी पेस्ट करिए, और ले जाना है, मूव कराना है तो कट पेस्ट करिए, ठीक। तो ये हो गया हम लोग के फोल्डर के बारे में। बाकी फोल्डर बारे में हम आपको प्रैक्टिकल में और बताएंगे, और हमारे नोट्स में भी रहेगा फोल्डर कैसे हाइड करते हैं, आप फोल्डर को हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें हम आपको प्रैक्टिकल में समझा देंगे, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का फोल्डर के बारे में, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं टास्क बार पे, टास्क बार पहले बताया, टास्क बार कहाँ होता है, जो हमारा विंडोज, जो हमारा ओएस खुल के आता है, नीचे जो पट्टी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं, ठीक। तो टास्क बार मतलब, टास्क मतलब काम, जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं, हमने मान लो नोट पैड खोला, नोट पैड यहाँ पे आ जाएगा, हमने पेंट खोला, पेंट यहाँ हो जाएगा, हमने गाना चलाना था, VLC यहाँ आ जाएगा, मतलब जो भी टास्क रन कर रहे हैं, जो भी टास्क पे आप काम कर रहे हैं, वो लॉन्च है, करंट में खुला हुआ है, तो वो कहाँ पे शो करता है, यहाँ पे शो करता है। तो टास्क बार में ऐसी चीज़ें होती हैं, टास्क बार वो ऐसी चीज़ें कंटेन करता है जो रनिंग मोड में हो, या जो प्रोग्राम चल रहे हो, वो कहाँ शो करता है, टास्क बार में। टास्क बार कंटेन रनिंग प्रोग्राम्स, जो भी प्रोग्राम रनिंग में है उनको कंटेन करता है। यहाँ पे जो भी चीज़ यहाँ पे रहती है, उसका मतलब ये क्या हो रहा है, वो चीज़ रन पे चल रही है, टास्क बार कंटेन रनिंग प्रोग्राम। क्योंकि जैसे हम लोग मिनिमाइज करते हैं, मान लो मैं नोट पैड खोला, और नोट पैड में आपको तीन बटन मिलते हैं, मिनिमाइज, चलो इसकी बात ही हो जाए, कोई प्रोग्राम जब हम ऑन करते हैं तो उसमें तीन बटन होते हैं, एक मिनिमाइज, एक मैक्सिमाइज रीस्टोर, और एक क्लोज, तीन बटन होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, मिनिमाइज, इसको क्या बोलते हैं, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, मैक्सिमाइज ऑब्लिक रीस्टोर, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज। तो जैसे ही मिनिमाइज करते हो, जो जो हमारा विंडो होता है वो कहाँ चलाता है, टास्क बार चलाता है,
टास्क बार में ऐसी चीज होती है जो हम लोग खोले हुए रहते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, वो सारी स्थिति कहाँ पे शो होती है टास्क बार में। और मैक्सिमाइज क्या है, जब इस पर क्लिक करते हो तो ये क्या होता है, मैक्सिमाइज हो जाता है। ठीक, अब इसमें दो ऑप्शन रीस्टोर का है, चलो रीस्टोर समझते हैं। तो ये हमारी फुल स्क्रीन पे है। ठीक, आपने क्या किया, इसको यहाँ से पकड़ के छोटा कर दिया, ये हमारा स्क्रीन है साइज, इसको पकड़ छोटा कर दिया, मान लो इतने बड़ा हो गया। ठीक, इतना बड़ा हो गया। आप जब इस पे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, रीस्टोर होगा। ठीक, जब इस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा, बड़ा होगा, फिर से ये बड़ा हो जाएगा। अब इस पे फिर क्लिक करोगे तो ये मैक्सिमाइज हट के क्या बन जाएगा, रीस्टोर बन जाएगा। अब रीस्टोर क्लिक, फिर इस पे क्लिक करोगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी एक बार जब आप स्क्रीन को अपनी साथ छोटी कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, रीस्टोर हो जाता है। उसे फिर क्लिक करते हो तो फिर वो क्या हो जाता है, मैक्सिमाइज हो जाता है। ठीक, तो मैक्सिमाइज रिस्टोर क्या करता है, एक स्क्रीन को बड़ा और छोटा कर देता है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये तो बात होगी मैक्सिमाइज रिस्टोर की, उसकी बात होगी, टास्क बार की बात होगी। अब आता है इस नोटिफिकेशन एरिया, जो यहाँ पे जो घड़ी बनी होती है ना, यहाँ पे जो घड़ी बनी होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। तो अगला हेडिंग हमारा क्या होगा, ये सब मुझे, मैं आपको उसमें क्या कहते हैं, जब आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा तो सब चीज़ दिखाते जाऊंगा, अभी आप समझते जाइए ताकि जब दूसरी बार आपको पढ़ाऊँ तो तुरंत रिकॉल हो जाए। नोटिफिकेशन एरिया ऐसे, नोटिफिकेशन एरिया कहाँ होता है, राइट साइड ऑफ द टास्क बार, राइट साइड ऑफ द टास्क बार, जो नोटिफिकेशन होता एरिया होता है वो टास्क बार के राइट साइड में होता है। और नोटिफिकेशन इसलिए इसलिए बोलते हैं, सबसे पहली बात तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ वहाँ पे होती है जो चलती रहती है, जो मतलब कि सिस्टम स्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिक रन कर, जैसे घड़ी हमेशा चलती रहती है, वॉल्यूम अप एंड डाउन हमेशा वो एक्टिव रहता है। ठीक है, आपका एंटीवायरस वहीं शो करेगा। ठीक है, आपके इंटरनेट की कंडीशन, इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा है वहीं शो करेगा। ठीक, कोई मैसेज आता है, कोई एरर आता है तो पॉपअप होके यहीं दिखाता है, यहीं पॉपअप होगा तो यहीं बताएगा मैसेज, मतलब कि नोटिफाइड करेगा एक तरह से। नोटिफिकेशन ये क्या करता है, नोटिफाइड करता है कि सिस्टम में क्या उस समय चल रहा है, सिस्टम में एंटीवायरस क्या वो अपडेट नहीं है तो वो भी बताता है। ठीक, तो जो हमारा नोटिफिकेशन ये होता है, सबसे पहले जो रनिंग, जो ऑटोमेटिक रन कर लो, ऑटो लॉन्च जिसको बोलते हैं, ऑटो लॉन्च जो प्रोग्राम होते हैं वो यहीं पर शो करते हैं, प्लस सिस्टम में कोई मैसेज पॉपअप होके आता है यहीं पर आता है। ठीक, जो नोटिफिकेशन एरिया ये सारी चीज़ें बताता है। उसके बगल में क्या होता है, स्टार्ट मीनू, स्टार्ट मीनू क्या है, स्टार्ट मीनू जैसे क्लिक करेंगे आप अपने आप देखना चाहते हैं हमारे सिस्टम में कितने प्रोग्राम हैं। आपको मान लो कोई प्रोग्राम खोलना है तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट मीनू जैसे क्लिक करेंगे पट्टी खुलेगी, उस पट्टी में क्या होंगे, जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। तो स्टार्ट मीनू एक बटन है जो क्या करता है, कितने प्रोग्राम है आपको एक्सेस करना है, आप सिस्टम के सारे प्रोग्राम को देखना है तो आप लोग किसका यूज करेंगे, स्टार्ट मेनू का यूज करेंगे। और ये कैसे एक्टिव होता है, इसका शॉर्टकट क्या होता है, विंडोज की। ठीक, अगर आपको कीबोर्ड से एक्सेस करना है इसको तो कीबोर्ड में एक बटन होता है विंडोज की, उस विंडोज की जैसे ही प्रेस करोगे तो ये स्टार्ट मेनू क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। स्टार्ट मेनू में क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तुम्हारे सेटिंग्स की सारी चीज़ें हो गई, उस सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, स्टार्ट में। यानी आप सिस्टम में आपको काम करना है, आपको स्टार्ट करना है, आगे चीज़ें करनी है तो आप लोग कहाँ क्लिक करोगे, स्टार्ट मेनू के अंदर क्लिक करोगे। ठीक, तो ये हो गए हमारे कुछ, डेस्कटॉप के बारे में बात हो गई, फोल्डर के बारे में बात हो गई, नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है उसके बारे में, टास्क बार क्या होता है उसके बारे में बात, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज। ठीक, तीन चीज़ें होती हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज रिस्टोर और क्लोज। क्लोज मतलब किसी प्रोग्राम को बंद करना होता है तो हम लोग कहाँ क्लिक करते हैं, क्लोज बटन क्लिक करते हैं, सॉरी क्लोज एग्जिट में अंतर होता है, अभी आगे बताएंगे।
हम लोग क्या क्लिक करते हैं, एग्जिट बटन क्लिक करते हैं, किस पे, एग्जिट बटन पे। एग्जिट बटन का शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट प्लस F4, ये लिख लेना, एग्जिट का शॉर्टकट अल्ट प्लस F4 होता है। मान लो हमने कोई विंडो खोली उसको बंद करना है, तो या फिर क्रॉस वाले बटन पर क्लिक करें, इसको एग्जिट बोलते हैं, या फिर अल्ट प्लस F4 पे क्लिक करें, अल्ट प्लस F4 बटन दबाएं, तब भी क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा। यानी एग्जिट का शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट प्लस F4 होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और अब आप क्या देखना है, अब हमें माई कंप्यूटर के बारे में जानना है। अब हमें थोड़े जो जब आप क्या कहते हैं OS इंस्टॉल करोगे तो डेस्कटॉप आएगा, उस डेस्कटॉप में कुछ बाय डिफॉल्ट आइकॉन्स होते हैं, बाय डिफॉल्ट आइकॉन्स। पहला तो माई कंप्यूटर, दूसरा रिसाइकल बिन, और तीसरा कंट्रोल पैनल। ठीक, मान लो आपने अब फर्स्ट टाइम सिस्टम लिया, OS इंस्टॉल किया, तो तीन आइकॉन आपके सामने या दो या तीन रहते हैं, मैक्सिमम तीन दिखते हैं। एक तो माई कंप्यूटर जरूर रहेगा, माई कंप्यूटर का आइकॉन बना रहेगा, रिसाइकल बिन एक मतलब एक क्या कहते हैं, रिसाइकल बिन मतलब कि एक बिन टाइप का, एक गिलास टाइप का बना रहेगा, उसको रिसाइकल बिन बोलते हैं। और कंट्रोल पैनल, एक पैनल बना होगा, उसको कंट्रोल पैनल को सेटिंग्स भी बोलते हैं, सेटिंग्स। ठीक, तो माई कंप्यूटर का आइकॉन, रिसाइकल बिन का आइकॉन, कंट्रोल पैनल का आइकॉन, बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों आइकॉन होते हैं। माई कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको अपने पूरे पूरे फाइल को एक्सप्लोर करना, आपको चेक करना है सिस्टम में कितनी फाइल है, कहाँ सेव है, कितनी फाइलों का, कितनी फाइल है, कितने ड्राइव हैं, तो आपको आपको एक्सप्लोर करना है तो माई कंप्यूटर से ही आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि माई कंप्यूटर से अपने हार्ड डिस्क को, अपने सिस्टम में जितने भी डिवाइस लगे हुए हैं, उस सारी चीज़ें कहाँ से एक्सेस होती है, माई कंप्यूटर से एक्सेस होती है। माई कंप्यूटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइकॉन है, इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं, इसमें दो चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आप माई कंप्यूटर पे लेफ्ट क्लिक करते हैं, सॉरी राइट नहीं, जब आप लेफ्ट क्लिक करते हैं, जैसे लेफ्ट क्लिक करेंगे माई कंप्यूटर खुल जाएगा, यहाँ पे क्या दिखाएगा, सी ड्राइव, डी ड्राइव, सी ड्राइव, किसी में एफ ड्राइव, सब अलग अलग होता है, नीचे सी डी डीवीडी। ठीक, अगर पेन ड्राइव लगाया है तो USB लिखा रहेगा। ठीक, तो ये तो हमारे डिस्क ड्राइव यानी हमारे हार्ड डिस्क की स्थिति यहाँ पता होगी कि अपने आपने हार्ड डिस्क को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। तो मान लो हमारी 500 GB की हार्ड डिस्क है, GB का फुल फॉर्म GB, तो उसको तीन भाग में बांटा है। मान लो ये 100 GB है, ये 200 GB है, ये 200 GB है, तीन तीन है, 200 200 200। तो हर चीज़, हर जितनी भी फाइल आप बनाते हैं, जितनी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, जितने भी आप डाउनलोड करते हैं नेट से, सब कहाँ पर जाती है, सब डिस्क ड्राइव में जाती है। कोई सी में जाता है, कोई डी में जाता है, कोई ई में जाता है, कोई यूज़र अपने हिसाब से सेट करता है, हम डी में सेव करना चाहते हैं। एक तरह से आप पूरे फाइल को एक्सप्लोर कर सकते हैं माई कंप्यूटर के अंदर जाकर। ठीक, और इसमें एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, कंप्यूटर की जो मदर ड्राइव होती है वो कौन सी होती है, सी। सी को कंप्यूटर की मदर ड्राइव भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो हमारा OS, जो हमारा जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो कहाँ उसकी फाइलें कहाँ जाती है, हार्ड डिस्क जाती है, और हार्ड डिस्क किस ड्राइव में जाती है, सी ड्राइव में। तो जो भी OS की जो आपके सिस्टम की फाइल होगी वो कहाँ जाती है, सी ड्राइव में जाती है। ठीक, फिर आप MS Word इंस्टॉल करते हैं, फिर आप फोटोशॉप इंस्टॉल करते हैं, फिर आप उसमें टैली इंस्टॉल करते हैं, टैली फोटोशॉप वर्ल्ड की फाइलें कहाँ गई, सी में गई। इसीलिए सी को कंप्यूटर की मदर ड्राइव बनाते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी जो फाइल, उनकी जो सिस्टम की फाइलें होती हैं वो कहाँ पे होती है, सी ड्राइव इंस्टॉल होती है। इसलिए जो वायरस का खतरा होता है हमेशा सी ड्राइव में होता है। अभी सिस्टम आपका हैंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो सी को ही फॉर्मेट किया जाता है। सी को फॉर्मेट कर दो, नया OS सी में डाल दो, आपका DOE सेफ रहता है। इसलिए यूज़र को समझाया जाता है कि जब भी आप अपने से कोई फाइल बनाए, आपने कोई रिज्यूम बनाया, कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया, तो उसको सी में नहीं सेव करना चाहिए, उसको कहाँ सेव करना चाहिए, डी में सेव करना चाहिए। अगर आप कंट्रोल एस मार देंगे, इंटर मार देंगे, तो कहाँ चला जाता है, सी में चला जाता है। और सी में किस फोल्डर में जाता है, माई डॉक्यूमेंट, माई
कंप्यूटर एक फोल्डर ऑटोमेटिक बना के देता है, उस फोल्डर का नाम क्या है, माई डॉक्यूमेंट। और माई डॉक्यूमेंट की माई डॉक्यूमेंट होता कहाँ है, सी ड्राइव के अंदर होता है। जब भी आप कोई प्रोग्राम खोलते हैं, आपने नोट पैड कुछ टाइप किया, कंट्रोल एस दाबा, फाइल का नाम लिखा, सेव कर दिया, वो कहाँ गया, वो माई डॉक्यूमेंट में गया। माई डॉक्यूमेंट कहाँ है, सी ड्राइव में। वायरस का खतरा कहाँ होता है, सी ड्राइव में। सी ड्राइव को फॉर्मेट किया तो माई डॉक्यूमेंट उड़ जाएगा, अब उड़ जाएगी फाइलें सारी, क्या होगी, लॉस हो जाएंगी। इसीलिए जब भी कोई फाइल बनाओ तो डी या ई अपना एक फोल्डर बना लो, उसी के अंदर सेव करो, ताकि कल को आप फॉर्मेट करते हैं तो सी को फॉर्मेट करके आप डी और ई के अंदर की फाइलों को रिकवर कर सकें। ठीक, सी को कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट इज अ डिफ़ॉल्ट फोल्डर फॉर एनी फाइल। जब भी आप कोई फाइल सेव करते हैं और लोकेशन चूज नहीं करते हैं तो कहाँ जाएगा, माई डॉक्यूमेंट के अंदर जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान देना। ठीक, एक तो ये एक्सेस कर लिया माई कंप्यूटर के अंदर जाके, फिर क्या, नीचे सी डी वी डी, मैंने बताया कोई भी अलग से कोई चीज़ जोड़ते हो वो भी यहाँ पे शो करता है। सी डी आपने लगाया, अब सी डी खोलना है, उसके अंदर पिक्चर है, डी वी डी है, जो भी है तो चलाना है, तो आप कहाँ जाएंगे, माई कंप्यूटर डबल क्लिक करेंगे, फिर सी डी पे आएंगे, सी डी पे डबल क्लिक करेंगे, फिर सी डी ओपन होगी। यानी आपको सी डी को एक्सेस करना है तो आपको माई कंप्यूटर के अंदर आना है। यू एस बी पेन ड्राइव लगाया है, कहाँ शो करेगा, यहीं शो करेगा, निकाल लिया, पेन ड्राइव शो नहीं करेगा, कैसे पता चलेगा, माई कंप्यूटर जाएंगे तो वो पेन ड्राइव शो नहीं करेगा। यानी कोई भी आप एक्सटर्नल डिस्क, कोई भी आप एक्सटर्नल ड्राइव लगाते हैं या कोई भी एक्सटर्नल मीडिया प्लग करते हैं तो उसकी स्थिति कहाँ शो करती है, माई कंप्यूटर के अंदर ही शो करती है। तो माई कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब सिस्टम चलाने में। आपको फाइल फोल्डर, आपको सारी फाइल फोल्डर देखना है, इधर से उधर ले जाना है, तो आप माई कंप्यूटर के थ्रू ही ये काम कर सकते हैं। माई डॉक्यूमेंट एक डाइट बाई डिफ़ॉल्ट फोल्डर होता है जिसके अंदर सारी फाइलें हमारी स्टोर होती हैं। ठीक, तो ये हो गया हम लोग की। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको सी डी ई के बारे में जानना है कितनी ड्राइव खाली क्या है, तो किसी भी ड्राइव पे आप राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आप इस देख सकते हैं कि हमारी ई ड्राइव कितनी खाली कितनी भरी, डी ड्राइव कितनी खाली कितनी भरी, तो सारे काम आसान से। ई का फोल्डर डी में लाना है तो ई डबल क्लिक करो, ई खोलो, फोल्डर सेलेक्ट करो, कट करो, फिर डी खोलो, पेस्ट कर दो। यानी इधर से उधर बताया ना, फोल्डर इधर उधर आ सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का। माई कंप्यूटर पर लेफ्ट क्लिक करने पर इतने सारे ऑप्शन हमारे सामने आए। अब हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है, देखना है माई कंप्यूटर जो राइट क्लिक करते हो तो क्या क्या आता है। चलो, अब हमने माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक, माई कंप्यूटर जो आइकॉन है, सॉरी आइकॉन लिख लेना, जो उस पर अगर राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक, माई कंप्यूटर राइट क्लिक, बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें एक ऑप्शन चूज करना है किसका, प्रॉपर्टीज़ का। इस पर जैसे क्लिक करोगे एक विंडो खुलेगी, विंडो जैसे खुलेगी यहाँ पर लिखा रहेगा विंडोज 8.1 2001। ठीक है, इंटेल 4i3। ठीक, रैम या फिजिकल मेमोरी लिखा होता है, फिजिकल मेमोरी 4GB। यानी आप माई कंप्यूटर के राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाकर आप अपने कंप्यूटर की सारी जो भी डिवाइसें प्लग है या कंप्यूटर की सारी हार्डवेयर की जानकारी, सॉफ्टवेयर की जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो माई कंप्यूटर जैसे डायरेक्ट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आप अपने सिस्टम से जानते जानते, जैसे मैंने यहां क्लिक किया तो इसमें विंडो 8.1 बता रहा है, यानी हमारा जो OS है वो 8.1 है, 2001 में हमने इंस्टॉल किया है। इसका जो प्रोसेसर वो i3 है, इसकी जो मेमोरी 4GB है। ठीक, इसी पे एक होता है, इसी राइट क्लिक जो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो एक ऑप्शन और आता है डिवाइस मैनेजर का। तो डिवाइस मैनेजर आप जाके जितनी भी हार्डवेयर प्लग है सब देख सकते हैं। तो जब भी आप सिस्टम खरीदने जाएं तो माई कंप्यूटर राइट क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में क्या क्या लगा है। ठीक, कोई बोल दे इसमें i7 लगा तो मान नहीं लेंगे, उसके सिस्टम पे माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके जाके देखेंगे कि सच में i7 लगा कि नहीं लगा है। जो लगा है वही दिखाएगा, लगा कुछ है दिखाएगा कुछ, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके आप सिस्टम की इंफॉर्मेशन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में जानकारी चाहिए तो प्रॉपर्टीज़ में एक ऑप्शन होता है, मैं बताऊंगा, उसमें डिवाइस में जाकर आप पूरे डिवाइस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का, माई कंप्यूटर हो गया।
हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे, रिसाइकिल बिन, बहुत इंपॉर्टेंट रिसाइकिल बिन के बारे में। रिसाइकिल बिन सबसे है क्या, एक पहले एक छोटा सा आइकॉन होता है जिनका गिलास टाइप की बनी होती है विंडोज 7 विंडोज 8 में। रिसाइकिल बिन जस्ट लाइक जैसे हमारे घर का डस्टबिन होता है, कूड़े का डिब्बा होता है, वैसे ही कंप्यूटर में भी एक कूड़े का डिब्बा है जिसका नाम रिसाइकिल बिन है। घर में लोग कूड़े का डिब्बा बोलते हैं और कंप्यूटर की भाषा में इसको रिसाइकिल बिन बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग घर के कूड़े डिब्बे में करते क्या है, वेस्टेज चीज़ें जो हमारे काम की नहीं होती उसी में डालते हैं। सेम उसी तरह जो भी फाइलें हम डिलीट करते हैं हमारे काम की नहीं होती वो कहाँ पर जाती है, रिसाइकिल बिन में जाती है। जब आप कोई डिलीट मारते हो तो फाइलें चली नहीं जाती एकदम से, वो कहाँ जाती है, रिसाइकिल बिन जाती है। तो इट कंटेन डिलीटेड फाइल्स, इट कंटेन फाइल्स एंड फोल्डर। रिसाइकिल बिन क्या कंटेन करता है, डिलीट की हुई फाइल और फोल्डर को कंटेन करता है। ठीक, तो जैसे हमारे घर में घर का कूड़ा कचरा जो हमारे काम के उस पर डालते हैं, वैसे ही जो भी फाइल डिलीट करनी होती है जो हमारे काम की नहीं होती वो कहाँ करते हैं, बिन का यूज़ करते हैं। लेकिन इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कंप्यूटर में, कई कई गलती कुछ डिलीट हो जाती है, हमने डिलीट कर दिया फिर हमें लगा कि वो फाइल इंपॉर्टेंट है हमें वापस चाहिए, अगर रिसाइकिल बिन नहीं होगा तो आप उस फाइल को रिकवर नहीं कर सकते हो। रिसाइकिल बिन में अगर कोई फाइल, मान लो हमने ए नाम की फाइल को डिलीट मार दी, तो ये कहाँ चला आएगा, रिसाइकिल बिन में चला आएगा। अब एक महीने बाद आपको लगा कि अरे ए वाली फाइल हमारे काम की थी, तो आप फिर से रिसाइकिल बिन में जाकर ए वाली फाइल आपको दिखेगी, राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, रीस्टोर। जैसे ही रीस्टोर पे क्लिक करोगे ये फाइल यहाँ से गायब होगी और जहाँ पे आपने डिलीट किया था, जहाँ से सी से डी से चाहे जहाँ से, वो वापस वहाँ से ले आएगी। इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या आप रिसाइकिल बिन के अंदर फोल्डर फाइल को कट करके किसी दूसरे का पेस्ट कर सकते, तो नहीं कर सकते। हमेशा ध्यान देना, जब भी कोई फाइल रिसाइकिल बिन के अंदर आ जाती है तो कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आना बंद हो जाएगा, एक ही ऑप्शन आएगा रीस्टोर का, डिलीट का, फुल डिलीट का, परमानेंट डिलीट को बोलते हैं। तो रीस्टोर का फाइल ऑप्शन आएगा, आप कट कॉपी पेस्ट या मूव नहीं करा सकते। आप जैसे रीस्टोर करोगे वो ऑटोमेटिक जहाँ से आपने डिलीट की थी वो वापस वहीं पर क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी। तो रिसाइकिल बिन के अंदर कोई फाइल फोल्डर आपने डिलीट कर दिया, उस फाइल को आप वापस क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ये ध्यान देना। ठीक, तो रीस्टोर कर लिया। इसी तरह अगर हमारे अपने घर में कपड़े, अपने घर के कूड़े डान में अगर कोई चीज़ डाला है तो आपके पास चांस है कि उसको निकाल सकते हैं। अगर आपने उसको नगर निगम वाली गाड़ी में डाल, यानी परमानेंट से बाहर फेंक दिया, तो फिर क्या, आप उस जो भी चीज़ आपका वो चला गया गाड़ी लेकर, तो आप वो पाना इम्पॉसिबल है। सेम उसी तरह अगर आपने एकदम डिलीट कर दिया, रिसाइकिल बिन के अंदर से जाकर डिलीट कर दिया, तो आप उस फाइल को रिकवर नहीं कर सकते हो। ठीक, तो जो हमारा रिसाइकिल बिन होता है वो क्या करता है, डिलीट की फाइल फोल्डर को कंटेन करता है और अगर यूजर चाहे तो उसको बाद में रिस्टोर कर सकता है। अब बात ये आती है, रिसाइकिल बिन में जो कूड़ा जाता है इसकी एक क्या होगी, स्टोरेज पावर होती होगी, है ना। कितना कूड़ा आएगा, जैसे डिब्बा एक लीटर का है तो एक लीटर ही कूड़ा आएगा ना, उसके बाद तो ओवरफ्लो कर जाएगा। सेम यह कंडीशन ये होती है, जो हमारे रिसाइकिल बिन के अंदर जो स्पेस मिलता है वो हमें हार्ड डिस्क ही मिलता है। ठीक, तो आप इसको देख सकते हैं, रिसाइकिल बिन के आइकॉन पे राइट क्लिक करेंगे और कहाँ पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो यहाँ पे लिखा होगा साइज और नीचे लिखा होगा 10 MB। बाई डिफ़ॉल्ट 10 MB या 20 MB होता है, यानी आप 10 MB तक की डिलीवरी फाइल डाल सकते हो। ठीक, जैसे ये 1, 2, 3, 4, उसके बाद जो भी फाइल आएंगी तो नीचे से क्या होगा, ये परमानेंट रूप से डिलीट होता जाएगा। यानी अगर आप 10 MB से ऊपर हुआ तो जो पुरानी फाइलें हैं वो परमानेंट रूप से डिलीट होती जाएंगी, ताकि जो नई फाइल आपने डिलीट की है वो इसमें सेव होती रहे। ठीक, तो आपको लगता है कि बाल्टी साइज बढ़ानी चाहिए, रिसाइकिल बिन की साइज बढ़ानी चाहिए, तो आप यहाँ 30 MB कर दीजिए। आपके हार्ड डिस्क ऊपर है, आपका 500 TB का हार्ड डिस्क है, 50 MB कर दीजिए। आपका 1 TB का हार्ड डिस्क है तो 1 GB का, जितना भी करना हो कर दीजिए। मतलब आप अपने रिसाइकिल बिन की साइज को घटाओ बढ़ा भी सकते हैं। अगर कम रखेंगे, ज़्यादा फाइल डिलीट करेंगे तो पुरानी फाइलें क्या होंगी, परमानेंट रूप से डिलीट होती जाएंगी। और डिलीट दो तरीके से होते हैं, एक डिलीट होता है
एक परमानेंट डिलीट होता है, एक कोई फोल्डर है, आपको लगा ये फोल्डर हमारे किसी काम नहीं, ना फ्यूचर में हमारे काम आएगा, तो आप क्या करेंगे इस क्या करेंगे इस पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ डेल बटन, ये नोट कर लेना, किसी फाइल फोल्डर को परमानेंट से डिलीट करना होगा तो एक हाथ से शिफ्ट दबाएंगे और डिलीट बटन जैसे क्लिक करेंगे क्या होगा, आपका फाइल जो तो आपका फाइल है वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, वो हमेशा के लिए कंप्यूटर से बाहर हो जाएगा। तो किसी फाइल को परमानेंट से डिलीट करना हो तो शिफ्ट के साथ डेल, शिफ्ट के साथ डेल बटन दाब दोगे तो वो फाइल क्या होगी हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का रिसाइकल बिन के बारे में। ठीक, अगले लेक्चर में जब आएंगे तो हम लोग कंट्रोल पैनल के बारे में पढ़ेंगे, उस कंट्रोल पैनल के बारे में थोड़ा टास्क बार के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग यानी एक तरह से विंडोज का जो ऊपरी स्ट्रक्चर वो पढ़ने के बाद हम लोग प्रैक्टिकल पे आएंगे, और प्रैक्टिकल के माध्यम से मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ये चीज़ ऐसी होगी, ये चीज़ यहाँ होगी, क्योंकि अभी तो आप लोगों ने ऊपर पढ़ा, इसलिए मैंने बताया कि एक बार आपके माइंड में घुस जाए। आप मान लो बहुत लोगों ने पढ़ा होगा ये सब, बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो सबको ध्यान देना है, और वो लेवल आई टी बिजनेस सिस्टम की क्लास है वो फंडामेंटल बेस्ड होगी, यही सब आता है, कैसे कहाँ कट कॉपी पेस्ट मिनिमाइज मैक्सिमाइज टास्क बारी सब टाइप बारे में चीज़ पूछता है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो ये आपको मैं लाइव करके भी दिखाऊंगा। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग मिलेंगे टास्क बार के साथ, कंट्रोल पैनल के साथ, और भी कुछ चीज़ें जो छूट जाएंगी उसके साथ हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो भी चीज़ समझ में आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8318119800 पर 00 पर भी संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो पूरा कोर्स अगर आपको करना है नोट्स के साथ तो www.binarytube.in पे भी आप क्या कर सकते हैं लॉगिन करके आप फुल पैकेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे।